सो हे गाइस, आप लोग भी क्या ऐसे ही कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही कार्टून स्टोरी अपने मोबाइल की एप्लीकेशन की मदद से बनाएं? अगर आप लोगों के पास पीसी वगैरह नहीं है तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी और अमेजिंग एप्लीकेशन है, जिससे आप घर बैठे ऐसे ही कार्टून वीडियो और एनिमेशन वीडियो अपने फ़ोन से बना सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहले हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से काइन मास्टर एप्लीकेशन, अगर आप लोगों में नहीं है तो पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और भी दो एप्लीकेशन है जिसका नाम मैं आपको आगे बता दूंगी। ओके, तो पहले मैं आपको जो क्रिएट मैंने स्टोरी की है पहले वो दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो स्टोरी मैंने कैसे क्रिएट की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा एक छोटा सा शहर था, और उस छोटे से शहर में बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन था। उसी के पास एक घर था, वहाँ पे दो कपल रहते थे। उसमें से एक लड़की का नाम था मोनिका, जो अपने पति से, जो ऑफिस के काम के कारण उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जा पा रहा था, उससे ही बातें कर रही थी कि मुझे बाहर घूमने जाना है। लेकिन उसके पति को ऑफिस के काम के कारण थोड़ी सी भी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए वो भी परेशान था। वो बार बार मोनिका को समझाने की कोशिश कर रहा था। मोनिका का पति मोनिका को समझाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, तो वो समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो बस अब तंग आ चुकी थी। उसने एक जिद पकड़ ली थी कि उसे बाहर जाना है तो जाना है, वो कैसे भी करके अपने काम में से थोड़ा सा समय उसके लिए निकाल ही सकता है। और वो घर में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी, तो उसके लिए वो अपने पति से बार बार बहस कर रही थी। तो उसके पति और उस मोनिका के बीच बहुत ही टाइम बहस जारी रही, लेकिन लास्ट में मोनिका की बात उसके पति को माननी, और दोनों ही अपने घर से निकल पड़ते हैं बाहर की ओर, जहाँ पे उन लोगों को जाना था। वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर थी, जाते जाते यहाँ से शाम तो हो ही जाने वाली थी। सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला था, क्योंकि मोनिका और राजू जिस जगह पे जा रहे थे वो जगह शहर से काफ़ी दूर घने जंगलों के बीच थी। उसी लिए वे लोग रात को एक होटल में रुक गए। थोड़ा आराम करने के बाद वो सुबह तुरंत ही निकल जाने वाले थे, और सुबह होते ही वो लोग अपनी पिकनिक की जगह पर तुरंत ही निकल पड़ते हैं। और राजू के साथ यहाँ आने पर मोनिका बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और उसे देख के राजू भी बहुत खुश था। और उन दोनों ने उस जंगल में अपनी वो छुट्टियाँ बहुत ही मज़े के साथ बिताई। राजू ने बहुत ही अच्छा से गिटार लाया था और वो गिटार मोनिका को सुना रहा था। मोनिका वो सुन के बहुत ही खुश थी, और वो शांति से उस पल की मज़ा ले रही थी, और राजू उसे अच्छे से गिटार बजा के सुना रहा था। और राजू भी मोनिका के साथ बहुत ही खुश था, क्योंकि उसे भी ऑफिस के काम से थोड़ी सी राहत मिली थी। और पिकनिक को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करके वो दोनों ही अपने घर साथ में लौट रहे थे। ऐसी ही स्टोरी या फिर इससे बेटर स्टोरी हम अपने खुद के एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से गाइस कैसे बना सकते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे। सो सबसे पहले हमें गूगल में कार्टून का कोई भी कैरेक्टर हमें लेना है, तो उसे हम सर्च कर लेना है। कार्टून होम करके हम अभी सर्च कर रहे हैं, तो आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ से ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। और उसको PNG में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। सब ऑनलाइन ही हो जाता है गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर के घर आ चुके हैं, बहुत ही अलग अलग टाइप के हैं। आपको जिस टाइप का घर चाहिए वहाँ से हम अभी एक कोई सिंपल सा घर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, बस आपको दिखाने के लिए। ओके, तो कार्टून का कोई भी घर यहाँ से आ जाएगा। अब इसके अलावा हमें कोई और भी कैरेक्टर चाहिए उस घर के अलावा, तो यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। पहले एक घर को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद किसी और कैरेक्टर को हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई और कैरेक्टर हम सर्च कर लेते हैं। ग्रीन स्क्रीन का ही हमें लेना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ग्रीन स्क्रीन कार वीडियो करके हम सर्च कर रहे हैं। तो ग्रीन स्क्रीन क्यों लेना वो आप गाइस सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दूं, क्रोमा की करके हमारे काइन मास्टर में एक ऑप्शन होता है, उसे हम ग्रीन स्क्रीन का पर्दा हटा सकते हैं। ओके, तो हम कोई कौन से ही बैकग्राउंड के अंदर हम इस कार को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप ग्रीन स्क्रीन का वीडियो अगर आपको चाहिए तो गूगल पे ही आप डाउनलोड करना, बनाइए पिक्सल लैब करके एक एप्लीकेशन है। देखिए ऑल पे जाएंगे तो पिक्सल लैब की एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, वहाँ पे आप पिक्सल ऐप की एप्लीकेशन पे फ्री में वीडियो हॉरर स्टोरी बना या कोई भी मॉरल स्टोरी बना रहे तो
तो वहाँ से आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा, कोई भी प्रकार का वीडियो होगा गाइस वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे ग्रीन स्क्रीन के वीडियो अवेलेबल है, वो भी कॉपीराइट फ्री वीडियो गाइस। तो वहाँ पे सर्च कर लोगे आप कोई भी, तो मैं पहले यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ कि कौन सा हमें वीडियो चाहिए। मैं शायद सिंड्रेला का बनाना चाहूँगी, तो यहाँ पर मैं सिंड्रेला को कुछ सर्च कर लेती हूँ। तो पहले हम सर्च कर लेते हैं। ओके, तो सिंड्रेला ग्रीन स्क्रीन कार्टून वीडियो, ऐसे ही कुछ भी हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के साथ आ गए, वो भी फ्री वाले हैं, कॉपीराइट फ्री। तो ये सारे वीडियो आप यूज़ कर सकते हो अपने कार्टून वीडियो में। अगर आप अपनी कोई कार्टून चैनल बनाना चाहते हो गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कोई हॉरर मूवीज़ का कोई सीन जैसे आपको अच्छा लगा तो उसे आप अपने कार्टून में लेना चाहते हो, तो वो भी गाइस आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगी जो बहुत ही फ्री और यूजेबल एप्लीकेशन है। तो एक है पोज मैक्स करके है, मैं आपको स्क्रीन के बाजू में उसका नाम लिख के दे दूंगी, तो आप इजीली उसे डाउनलोड कर लोगे। तो पोज मैक एक एप्लीकेशन है जो आप ओपन हुई देख रहे हो, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर आपको गाइस मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का आप कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप गाइस इजीली बना सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कितने सारे कैरेक्टर, और इस सारे सभी कैरेक्टर को आप इजीली मूव कर सकते हो। ये देखिए, बैक, फ्रंट, अप एंड डाउन, ऐसे कोई भी पोजीशन हो, जूम करना, जूम आउट करना, राउंड, सर्कल, कोई भी पोजीशन आप इसकी चेंज कर सकते हो। और इसका हेड हिलाना, इसका लेग, आप कोई भी पोजीशन आपको इजीली इसमें आप मूवमेंट करवा पाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है गाइस कि पीछे का बैकग्राउंड आपको ग्रीन स्क्रीन ही चूज़ करना है इस एप्लीकेशन में, ठीक है। इसमें आप बहुत सारे आपको कैरेक्टर, आपको कोई रोबो कार्टून बनाए तो वो भी आप बना सकते हो। ओके, और कोई मोरल स्टोरी बनाना चाहते हो या फिर कोई पुराने ज़माने की होती है राजा रानी वाली स्टोरी, वो बनाना चाहते हो, आप वो भी इस एप्लीकेशन से गाइस बना सकते हो। तो इसमें आप देख रहे कि कैरेक्टर सारे, तो यहाँ पे आप कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। देखिए, मैंने कैरेक्टर चूज़ किया, उसमें आप मैंने वहाँ पे बॉडी करके ऊपर ही मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं उसका हेड, लेफ्ट शोल्डर भी सिलेक्ट किया। तो लेफ्ट शोल्डर इसे यहाँ से नीचे से मैं हिला रही हूँ लेफ्ट शोल्डर करके। ओके, तो आप यहाँ से हेड चूज़ कर, पूरे ऊपर बॉडी चूज़ करके नीचे हेड, लेग, कोई भी चूज़ करके आप उसके सारे कैरेक्टर मूव करवा सकते हो। और उसके अलावा लाइब्रेरी में जाके ये सारे आपको कैरेक्टर ऊपर ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने अगर एक स्क्रीनशॉट ले ली, और उसका पीएनजी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अब इस पिक्चर को हमें अच्छे से मैनेज कर लेना है और सेव कर लेना है। सेव कर लेने के बाद इजीली हम इसे बाहर निकल जाएंगे, गूगल में जाएंगे। ओके, और गूगल में जाने के बाद रिमूव बीजी करके एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है गाइस, जो पूरा बैकग्राउंड रिमूव करता है और एक सेकंड में रिमूव कर देता है, और बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है, और उसका पीछे का पूरा बैकग्राउंड बहुत ही क्लियर ही रिमूव हो जाता है। ओके, तो सारे बैकग्राउंड मैं यहीं से रिमूव करती हूँ, बहुत ही ईजी और अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से हमने एक फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद ये प्रोसेसिंग, देखा, एक सेकंड भी नहीं लगा, ये प्रोसेसिंग हो गया। अब इसे HD वर्जन में डाउनलोड करना है फिर नॉर्मल, हम नॉर्मल में डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस से हम जाएंगे अपने काइनमास्टर में। काइनमास्टर में जाने से पहले मैं आपको एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है मोशन लीप करके। और गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप कोई भी आपका कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर को आप मूव करवा सकते हो। जैसे कि आपकी कोई सिंपल सी एक इमेज होगी, जैसे पानी का झरना आप देख रहे हो, तो ये सारे पानी गिर रहा है, तो ऐसे इस सारी एक फ़ोटो को आप लाइव फ़ोटो बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कैसे क्या करना है आपको सारा कुछ पहले इंटरफेस में बता दिया जाएंगे एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक नॉर्मल सी पिक्चर है, लेकिन कैसे लग रहा है कि एक वीडियो जैसी पिक्चर लग रही है। तो यहाँ पे न्यू क्रिएशन पे हमें ब्रश पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको सिंपली अलाउ कर देना है, और गैलरी में से हम कोई भी सिंपल सी फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं हम कौन सी फ़ोटो ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग वाली एक इमेज को ही हम ले लेते हैं दिखाने के लिए। हम एक दूसरी फ़ोटो ले लेते हैं जो कुछ बेटर हो। तो छोड़िए, हम गूगल से ही डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो गूगल से हम कोई नेचर वाइज कोई फ़ोटो ले लेंगे, जो आपको मैं सिंपल इजी तरीका आपको बता सकूं कि ये एप्लीकेशन एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। ओके, तो गूगल में जाएंगे और गूगल में कोई भी नेचर बैकग्राउंड का एक इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो नेचर बैकग्राउंड या फिर नेचर इमेज कोई भी हम इमेजेस ऑफ नेचर, ये फर्स्ट वाली इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये वाली इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के बाद हम पहले देख लेते हैं डाउनलोड हो चुकी है या नहीं।
सो हाँ, ये अभी डाउनलोड हो चुकी है और सिंपली इसे हम ओपन कर लेंगे और व्यू फोटो में लेके हम इसे देख लेते हैं और इसे हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कि हम स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हैं कि ताकि हमें इजीली ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए और इस स्क्रीनशॉट को हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ओके, परफेक्टली इसे सेट कर लेंगे तो हम इजीली वहाँ पर इसे ऐड कर पाएंगे। तो हम वापस हम चले जाएंगे अपने मोशन लिप में। मोशन लिप में चले जाने के बाद पहले से हम इसमें है न्यू क्रिएशन पे हम क्लिक करेंगे। न्यू क्रिएशन पे क्लिक करें, ये रही हमारी इमेज जिसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें इसमें वर्क करना है। ओके, नीचे आप देख सकते हो एनिमेशन इफेक्ट बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन आपको पैच स्काई इफेक्ट इसको छोड़ के पैच को सिलेक्ट करना है और फ्रीज को। इन दोनों का फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बता दे। देखो ये पैच से ये क्या होगा, जहाँ जहाँ पर मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ वहाँ पर ये सारे ट्री मोशन करेंगे। सो गाइस, मोशन करवाने से पहले हम पूरे एक इमेज को हम फ्रीज़ ही कर लेते हैं। फ्रीज़ करना मतलब कि पूरी इमेज को हम कहीं से भी कोई पत्ता हिले ना, इसके लिए हम ऐसे फ्रीज़ कर देते हैं। ओके, उसके बाद हमें जो भी पेड़ पत्ते को हिलाना है उसी जगह हम फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर देंगे और उस जगह पे हम पैच लगा देंगे। ओके, उसके बाद हमें इस जगह पे हमें पेड़ पत्तियों को लाइव दिखाना है, तो यहाँ पे हम इसे अनफ्रीज़ कर लेते हैं। अनफ्रीज़ इतनी जगह काफ़ी होंगी हमारे लिए। ओके, यहाँ पे और हम चले जाएंगे थोड़ा आगे और यहाँ पे भी हम थोड़ा अनफ्रीज कर लेंगे, लेकिन इतना सा जो ट्री का बैकग्राउंड है वो थोड़ा हिलता हुआ दिखेगा तो काफ़ी हमारी जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी लगेगी। यहाँ पे हम पैथ लगा देंगे। पैथ लगाने के बाद अभी आप इसका मैजिक देख लेंगे गाइस अपनी आँखों से। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज हमारी बनने वाली है। जहाँ जहाँ पर देखिए अब ये स्मूथली कैसे ये लाइव इमेज जैसे हो वैसे जा रही है, जैसे कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं। ये एक सिंपल सी इमेज थी गाइस, लेकिन अब आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी सी इमेज लग रही है। काफ़ी पेड़ पत्ती, अब देखिए गाइस, अब आपको पूरी अच्छी तरह से इमेज परफेक्टली देखेंगी कि कितनी अच्छी तरह से मूव कर रही है। तो इस इमेज को आप अपने कार्टून वीडियो में काफ़ी अच्छा सा बैकग्राउंड इसे सेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वे वापस हम चले जाएंगे अपने काइन मास्टर में। तो अभी काइन मास्टर में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैंने ये स्टोरी बनाई तो पहले हमने एक घर का इमेज ली है। घर का इमेज लेने के बाद बीच बीच में हमने काइन मास्टर में थोड़ी बहुत इफेक्ट लगा दी है और ग्रीन स्क्रीन का जो वीडियो है, कार वीडियो, वो सारे मैंने इसके अंदर लगाए हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एक घर लिया है। घर के अंदर इस घर को हमने कैसे हिलाया है वो भी आप देख पा रहे हो, क्योंकि इसे हमने क्रॉप नहीं किया है। क्रॉप अगर हम करते तो ये इतना मोशन नहीं करता। और यहीं से हमने एक्सपर्ट करके यहाँ से जो गर्ल कार्टून कैरेक्टर है वो सामने यहीं से लिए हैं। ओके, तो ये सब हमने वहीं से लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लिए हैं। तो आप भी इजीली स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ये सारे यहाँ पे लेयर्स में जाके यहाँ पे ले सकते हो, अपनी कोई भी लेयर्स में जाके कोई भी अपना वीडियो यहाँ पे लगा सकते हो। और क्रोमा की को आपको इनेबल कर देना है। क्रोमा की को इनेबल करते ही आपको देख सकते हो पीछे का ग्रीन स्क्रीन का जो पर्दा है वो सारा हट जाएगा और जो कोई इसका बैकग्राउंड है वो आप किसी भी बैकग्राउंड में इसे सेट कर पाओगे। ओके, तो हम ठीक से कर नहीं पा रहे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, साइड में ले लेंगे और आप देख पा रहे हो कि मैं इसे कैसे ग्रीन स्क्रीन इसकी पीछे का बैकग्राउंड हटा रही हूँ। अभी आप देखिए कैसे ये मूव करेंगी। अभी इसे हम थोड़ा सा सेट और कर लेंगे, फिर आप देखिएगा ये कैसे अपने आप मूव करती है। देखिए तो है ना कितना इजी। तो हमने गिटार बजाता हुआ लड़का कैसे किया था, क्या किया था, पोस्टमैक्स में जाएंगे, सिंपली उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमने कैरेक्टर लिया है उस कैरेक्टर को हमें वापस चूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। एनिमेशन में जाना, एनिमेशन में जाने के बाद पंच केक बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो एनिमेशन में आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे कैरेक्टर, जो हमारा कैरेक्टर हमने लिया है वही कैरेक्टर को हम चूज़ करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के पंच, टॉक, फोन, जंप, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। डांस, टॉक, जॉम्बीज, रन, पंच, मैजिक, देख सकते हो आप मैजिक, ये मैजिक वाला पार्ट है, क्राई, सैड, सिंगिंग, जंप, रन। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली चूज़ करेंगे हमारे गिटार वाले को। और यहाँ पे जो आप नीचे वाला एरो देख रहे हो, उस नीचे वाला एरो पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा हट जाएगा और इसको आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद हम चले जाएंगे अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जो हम ये गिटार बजाता हुआ लड़का हमने वहाँ पे कैसे मैनेज किया वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो काइन मास्टर में हम यहाँ पे वापस चले जाते हैं। काइन मास्टर हमारा आ गया है तो इसे हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद हम वहाँ पे जाके आपको बताएंगे कि हमने वो गिटार बजाने बजाते वाला लड़का कैसे वहाँ पे हमने
मैनेज किया था और कैसे उस गिटार, तो इस वाले कैरेक्टर के बाजू में हम ले लेंगे। लेयर्स में जाके हम मीडिया में जाएंगे और मीडिया में जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला हमारा, हाँ ये रहा गिटार वाला जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, इसे हम अच्छे से क्रॉप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, क्रॉप का ऑप्शन आप देख सकते हो क्रॉपिंग, तो इसे अच्छे से मैनेज करके क्रॉप कर लेंगे, कहीं से भी हमारा ब्लैक पार्ट दिखना नहीं चाहिए। तो ये हो गए, इसे क्रोमा की पे हम जाएंगे, इसे एनेबल करेंगे। एनेबल करने के बाद हमारी जो ग्रीन स्क्रीन का, जो हमारा गाइस पीछे का जो ग्रीन स्क्रीन का पर्दा है वो हमें नहीं दिखना चाहिए, उस तरीके के मैनेज करना है। तब देख सकते हो ये दोनों बटन, ये ग्रीन स्क्रीन, ये यहाँ से ऐसे करके ग्रीन स्क्रीन दिखती है ज़्यादा, और यहाँ से नीचे वाले बटन से ये कम होती है। ओके, और कैरेक्टर भी कभी कभी बहुत ही लाइट हो जाता है, तो हमें उसे भी ध्यान रख के ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे गर्ल्स के बराबर का। ओके, हाँ तो ये अब सही है। अब हम जाएंगे अपने गिटार वाली इमेज को ले लेंगे, और गिटार वाली इमेज को कैसे हम प्ले कराना है उसे वो भी हम आपको दिखाएंगे। ओके, मीडिया में जाने के बाद हमारी डाउनलोड में गिटार वाली इमेज आ चुकी है, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद लड़के के हाथ में ये गिटार दे देंगे, और यार साइड में आप जो की वाली इफ़ेक्ट देख रहे हो, तो उस की वाली इफ़ेक्ट पे आपको क्लिक करना है इसे सिलेक्ट करने के बाद, और की वाली पहले इमेज को हमें बड़ा सा नीचे की तरफ, इमेज की तरफ बड़ा एक लाइन खींच लेनी है। ओके, और यहाँ पर देखिए प्लस पे हमें की वाली इफेक्ट पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और वापस गिटार को जैसे लड़का घूम रहा है वैसे ही हमें इसे मूव करवाना है। प्लस वाले निशान पे जाएंगे, एक बिंदु जैसा बनेगा, वापस नीचे करने के प्लस वाले आइकन पे करेंगे, वापस गिटार को ऊपर करेंगे, उसे अच्छे से मैनेज करेंगे, वापस आगे जाएंगे, प्लस वाले निशान पे क्लिक करेंगे, वापस गिटार को थोड़ा सा मैनेज करेंगे, लड़के के हाथ में जैसे दिख रहा हो बजा रहा हो वैसे वापस प्लस पे क्लिक करेंगे, गिटार को ठीक करेंगे, वापस थोड़ा आगे जाएंगे, वैसे करके हमें पूरे गिटार की दिशा में इसे मैनेज कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो हमने कैसे मैनेज किया, अभी हम आपको प्ले करा के दिखा दें जो ऑफिस कैसा हमारा ये गिटार बजाता हुआ लड़का आ गया है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे गिटार बज, अभी आप सोचोगे कि मैंने गिटार वाली वॉइस कहाँ से लिखा, इस तो आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कॉपीराइट फ्री गिटार वॉइस। ओके, तो वो भी आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगी और आप उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आप बहुत ही एक यूनिक कार्टून बना सकते हो गाइस, अपनी क्रिएटिविटी को अंदर डाल के आप बहुत ही अच्छी यूट्यूब कार्टून चैनल भी क्रिएट कर सकते हो गाइस। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही थी, इसीलिए मैंने आपको बहुत ही कम और शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है गाइस। अगर आपको कुछ समझ में आया तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट, तो मैं आपको उसमें आंसर ज़रूर दे दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो कैसी लगी हो मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप लोग मुझे बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।